पश्चिम बंगाल में चार चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो बंगाल में आधे चुनाव खत्म हो चुके हैं और प्रदेश में चुनावी अभियान खत्म होने में महज एक पखवाड़ा बचा है। ऐसे में तमाम दलों ने चुनावी जंग जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता मैदान से गायब है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब तक केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में व्यस्त थे, लेकिन चार चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल का रुख किया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या राहुल गांधी के अब उतरने से बंगाल में कांग्रेस की नैया पार लग पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में इस बार ममता और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट इस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। राज्य में चार फेज की 135 सीटों पर वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर से की है। सिलीगुड़ी की माटीगारा नक्सलबाड़ी सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके शंकर मालाकार बंगाल में राहुल गांधी की रैली की तैयारियों में जुटे हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के उतरने से बंगाल में कांग्रेस गठबंधन को सियासी तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल ये है कि कांग्रेस बंगाल में 92 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी आधे चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल के रण में उतरकर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? दरअसल बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में अगले कुछ चरणों में चुनाव होने हैं, जहां मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका रहेगी। कांग्रेस को 2016 के चुनाव में जो 44 सीटें मिली थी, उनमें ज्यादातर सीटें उत्तर बंगाल की थी। इन इलाकों में कांग्रेस ने अच्छे खासे मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा है। जानकारों की माने तो राहुल के बंगाल में अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरने की कई अहम वजह हैं। पहली वजह ये कि राहुल ने अपना पूरा जोर केरल और असम जैसे राज्यों में लगाया, जहां पार्टी को सरकार बनने की पूरी उम्मीदें नजर आ रही थी। इसके अलावा केरल में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जहां राहुल ने लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा था, जबकि बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट के साथ गठबंधन है। बंगाल से राहुल की दूरी की दूसरी वजह ये है कि राहुल बंगाल में बीजेपी से लड़ रही ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार कर उन्हें कमजोर करने के आरोप लेकर केंद्रीय राजनीति में सहयोगी दलों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। कई विपक्षी दल ममता को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में राहुल के चुनाव प्रचार में उतरने से ममता की नाराजगी कांग्रेस को लेकर बढ़ सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि देर से उतरने के बावजूद राहुल बंगाल में कितना कमाल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।